नमस्कार फ्रेंड, टर्म है डिस्कशन के लिए हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे कि टर्म अपने आप में ही बता रही है कि ये जुडिशरी से रिलेटेड है, पर एग्जैक्टली ये होती क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जुडिशरी या न्यायपालिका जो है उसका परफॉर्म करने का अपना एक एरिया है, यानी कि वो इंटरप्रिटेशन करती है लॉ की, जो भी कानून बना है उसकी व्याख्या करती है, और साथ ही साथ हमारे जो राइट है उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और साथ ही जो डिस्प्यूट है उसमें जस्टिस प्रोवाइड करना उसका काम है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल जॉब है जुडिशरी की। पर जब जुडिशरी इन ट्रेडिशनल जॉब से आगे बढ़ जाती है और लॉ मेकिंग बॉडी की तरह एक काम करने शुरू कर देती है, यानी कानून बनाना शुरू कर देती है, इनोवेटिव और डायनेमिक होना शुरू कर देती है, यानी कि वो चीज़ों का समाधान खोजना शुरू कर देती है जिसको कि जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो हमारा और तंत्र है वो नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भाई जुडिशियली का जो ट्रेडिशनल रोल है जब उससे एक्सीड करके वो इनोवेटिव हो जाती है, वो डायनेमिक और लॉ मेकिंग हो जाती है, यानी कि वो कानून बनाना शुरू कर देती है समस्याओं के समाधान के लिए। इसको आप प्रोग्रेसिव जुडिशियल थिंकिंग भी कह सकते हैं, इसको आप एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, नई नई डॉक्ट्रिन्स, नए नए रूल्स और नई नई चीज़ों को ईजाद किया जाता है, और इस सब में जो जजेस होते हैं उनके पर्सनल व्यू यानी कि जो उनके व्यक्तिगत जो राय है किसी चीज़ के बारे में वो भी होती है, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल लाइन होती हैं जो प्रेसिडेंट सेट किए गए होते हैं या फिर एक बड़े बने बनाए पैटर्न पे जो रन करना है उसके उलट काम किया जाता है, ताकि हम कुछ नया देख सकें, कुछ नया इन्वेंट कर सकें, जिससे कि हमारी जो करंट समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश की जा सके। और जब भी जुडिशियल एक्टिविज्म होता है तो वो जो बने बनाए रूल्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट जाकर भी इसको किया जा सकता है, पर उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो कर रहे हैं वो जस्टिस देने के लिए है लोगों को, ना कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनके लिए। अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक पिटीशन डालेंगे, है ना, पिटीशन डालेंगे, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोर्ट रिट इशू करेगा जिससे कि वो आपके फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहा है उसको रिस्टोर कर सकता है। अब ऐसा करने के लिए आपको पिटीशन डालना बहुत ज़रूरी है। पर एक केस था जो कि मोहनलाल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टेलीग्राम को पिटीशन मान लिया और उस पर कार्रवाई कर दी। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशनली क्या था, ट्रेडिशनली ये था कि आप पिटीशन डालोगे उसके बाद मैटर सुना जाएगा, पर यहाँ पर जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, है ना, जो पारंपरिक चीज़ें थी उनको धत्ता बताते हुए कोर्ट ने क्या किया, एक टेलीग्राम को ही पिटीशन मान के जो रेमेडी थी वो इशू कर दी। इसी के साथ साथ और भी कई केसेस होते हैं जहाँ पर जजेस जो हैं वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो वो सुओ मोटो वहाँ से ही एक्शन ले लेते हैं। तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है या 21 है उसके अंडर आपको इस तरह के केसेस देखने को मिल जाएंगे, और भी इस तरह के कई केसेस और कई सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई इस तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कितना सार्थक है या किस हद तक ये सफल हो पाता है। तो उसमें देखा जाए तो इसका फेलियर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो एक जज है या ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो कि कोर्ट में बैठा हुआ है वो जजमेंट तो दे देता है, जैसे कि गंगा रिवर का जो पोल्यूशन था और उसको क्लीन करने को लेकर बहुत सी जजमेंट आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की, और ये आज से लगभग 30-35 साल पहले आ चुकी हैं, पर आज तक उसका समाधान नहीं हुआ है। बहुत से कमीशन या कमेटीज वगैरह बना दी गई पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से जो पोल्यूशन को लेकर, जो ओवरऑल पोल्यूशन है उसको लेकर भी बहुत सी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, एमसी मेहता की जो एक सीरीज ऑफ द केसेस है वो भी आई, पर उसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि जो परिस्थितियाँ हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, जिसका परिणाम हम आज के दौर में देख रहे हैं। इसके अलावा स्पीडी जस्टिस को लेकर भी हमारे पास जो जजमेंट आ चुकी है 30-40 साल पहले, पर स्पीडी जस्टिस जो है वो नहीं है। आज भी जो देखेंगे आप तो करोड़ों के हिसाब से जो जुडिशरी में केसेस हैं वो पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो जुडिशरी के अपने ही काम नहीं आ रहा है, तो जनता तो बहुत दूर की कौड़ी है। दूसरी बात ये है कि भाई ये विफल क्यों हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म, इतनी अच्छी जजमेंट थी तो वो विफल क्यों हुई। तो इसके फेलियर होने के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे कि भाई जजमेंट तो अपने पास कर दी पर नीचे जाएगी वो अथॉरिटीज़ के पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नीचे काम करती हैं, जबकि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो तो आप जानते हैं कितने एफिशिएंट हैं। और जब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो फिर आप जो भी कहेंगे वो नीचे इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई जुडिशरी अपने ऊपर ही उन चीज़ों को लागू नहीं कर पाई कि भाई हमें न्याय जो है उसको जल्दी से जल्दी लोगों को डिलीवर करना है,
तो वो जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं जो एक मिसट्रस्ट है, जो अविश्वास है, वो लोगों के दिमाग में जो एक व्यवस्था है वो पैदा कर देती है। यही कारण था कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि हमारी जुडिशरी करती है उसके परिणाम हमें कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो कोर्ट के अंदर बैठ के अपने आप में समाज में परिवर्तन नहीं कर सकती है। उसके लिए आपको पुलिस तंत्र का सहयोग चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक सहयोग चाहिए, उसमें जो लीडरशिप है या पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सहयोग चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसमें जो समाज या सोसाइटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसका सहयोग जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। धन्यवाद।